नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है परीक्षा प्रीलिम्स के संबंध में, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि ये आपके लिए खुशखबरी हो, किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए बुरी खबर भी हो। अपने अपने हिसाब से आप इस खबर को ले सकते हैं। जिन लोगों ने भी तैयारियाँ की हैं उन लोगों को लगेगा कि परीक्षा जल्दी से हो जानी चाहिए थी, और जिनकी परीक्षा की तैयारी अभी नहीं हुई थी तो उनके लिए तो ये खुशखबरी जाहिर हो ही सकती है। तो देख लीजिए प्रीलिम्स के संबंध में जो नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं विज्ञप्ति। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो है कोरोना के संबंध में इसकी जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर विज्ञप्ति आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइव आपको बता ही रहा हूँ कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये कर रखा है। तो देखिए, आज 31 तारीख का जो है नोटिफिकेशन डाला गया है, उसके संबंध में यही दिया गया है कि 11 तारीख को जो होने वाली परीक्षा थी उसे वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब 20/6/2021 को कर दिया गया। तो वहीं बात कर लेते हैं 13 तारीख जो जून को है, वहां पर MPAE का ऑनलाइन परीक्षा भी है, और फिर इसके बाद आपकी प्रीलिम्स परीक्षा कर दी गई है। तो ये निर्णय मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा निर्णय है, जब तक जो है इलेक्शन वगैरह भी सभी के निपट जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो है पंचायती राज और नगरपालिका के इलेक्शन हैं तो उसके लिए भी ये तैयारियां कर सकते हैं। तो कोरोना के संबंध में जो है इस प्रकार से अब है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको थोड़ी रिलैक्सेशन प्रदान किया है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। अपनी जो तैयारियाँ हैं उनको और अच्छी तरीके से कर लीजिए। जिस प्रकार से 10 यूनिट जो बनाई गई हैं उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।